आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग की 7kg 5 स्टार रेटेड वॉशिंग मशीन, जिसका मॉडल नंबर है WA70T4262GS। जी हाँ दोस्तों, इसी वॉशिंग मशीन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह की ये वॉशिंग मशीन है, क्या क्या इसके अंदर आपको फंक्शन मिलते हैं, किस तरह से ये काम करती है, और इसके साथ साथ क्या क्या एसेसरीज आपको मिलती है, और साथ ही साथ आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसको चलाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आप इस वॉशिंग मशीन को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही मुझे इसको चालू करने से पहले क्या दिक्कत आई और वो दिक्कत आपको ना आए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरा नाम है सुधीर और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस वॉशिंग मशीन की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है इस वॉशिंग मशीन के फ्रंट पैनल पर राइट साइड में 5-स्टार रेटिंग का टैग। 5-स्टार रेटिंग का मतलब दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट और लो पावर कंजप्शन। साथ ही दोस्तों लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर वारंटी टैग देखने को मिलता है, जिसमें 3 साल कंप्लीट मशीन की हमें वारंटी मिलती है और 12 साल इसकी मोटर पर, और इसके साथ 20 ईयर ऑफ रिलायबिलिटी टेस्टेड बाई VDE सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस मशीन के ऊपर। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन के मेन पार्ट यानी कि इसके ऑपरेटिंग पैनल की, तो मैं आपको बता दूं यह है इसका ऑपरेटिंग पैनल, और ये दोस्तों इसकी विंडो के बैक साइड में आता है, जिससे कि इसके ऊपर पानी जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है। फिर भी इसके ऊपर एक लेमिनेशन किया हुआ है, जिससे कि ये इसे वाटरप्रूफ भी बनाता है। दोस्तों इस मशीन के कुछ खास फीचर्स की बात की जाए तो ये मशीन वोबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें मिलता है हमें स्टेनलेस स्टील का डायमंड ड्रम, वाटर लेवल सेलेक्टर, चाइल्ड लॉक भी दोस्तों इसमें है, और साथ ही ओनली स्पिन फंक्शन भी दिया हुआ है, साथ ही टाइम डिले ऑप्शन भी हमें इसमें मिलता है। इस मशीन के बैक पैनल की बात की जाए तो यह है इस मशीन का बैक पैनल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पर नीचे की साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी पावर कोड, जिसे हमें प्लग इन करना होता है मशीन ऑन करने के लिए, और ऊपर टॉप लेफ्ट में यहाँ पर हमें मिलता है कोल्ड वाटर इनलेट का वॉल्व, यहाँ पर हमें पानी इनलेट करना है। साथ ही यहाँ पर इसके पास में हमें एक छोटा सा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि कभी अगर हमारी मशीन में पानी कम आ रहा है तो हम इस किस तरह से इस वॉल्व को क्लीन कर सकते हैं बाहर निकाल कर, और उसके बाद में हमारा वाटर फ्लो वो जो है वापस से पहले की तरह ही आने लग जाएगा। बहुत सी बार पानी में कचरा आने की वजह से दोस्तों इसमें कचरा जम जाता है, जिसे हमें साफ़ कर लेना है और दोबारा से पानी वापस उतना ही क्वांटिटी में आएगा। नीचे यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर, वोल्टेज और इसका वेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस स्टिकर में दी हुई है, और नीचे बॉटम में यहाँ पर हमें दिया हुआ है वाटर ड्रेन के लिए ये नोज़ल। इस मशीन की लोडिंग विंडो की बात की जाए तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फुली टेम्पर्ड ग्लास, जो कि फुली ट्रांसपेरेंट भी है, जिससे कि आप अपनी मशीन के अंदर की प्रोसेस को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये टेम्पर्ड होने की वजह से बहुत मजबूत भी होने वाला है दोस्तों, यानी कि इसके ऊपर आसानी से इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी भी चीज़ का। इसकी विंडो के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ नीचे हमें मिलता है डिटर्जेंट बॉक्स, जिसे आप थोड़ा सा खींचेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर बाहर आ जाएगा। आपको अपनी मशीन में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट को इसी बॉक्स में डालना होगा। और दोस्तों अगर आप डिटर्जेंट पाउडर की जगह पर लिक्विड वॉश यूज़ करते हैं, जैसे कि कंफर्ट या इजी, तो इस मशीन के ड्रम में जो यहाँ पर ये 3 होल दिखाए हुए हैं, इसके अंदर आपको वो लिक्विड वॉश डालना है कपड़े धोने के लिए। मशीन के ड्रम में हमें दोस्तों यहाँ पर एक मैजिक फिल्टर देखने को मिलता है, जिसे यहाँ पर हमें आपको निकाल कर बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैजिक फिल्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस मशीन के ड्रम में। कपड़ों की धुलाई के वक्त जितने भी कपड़ों के रेशे, बारीक रेशे जो भी इस मशीन के अंदर इकट्ठे होने वाले हैं, वो सारे इस मैजिक फिल्टर के अंदर आ जाएंगे,
जिसे कि हमें बाद में इसे क्लीन कर लेना रहेगा। किस तरह से वो रेशे आकर के इसके अंदर इकट्ठे होते हैं वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, एंड तक पूरा ज़रूर देखना। इस मैजिक फिल्टर के बारे में मैं आपको सारी डिटेल लास्ट में देने वाला हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस मशीन का डायमंड ड्रम, जो कि स्टेनलेस स्टील का है, और साथ ही इसकी जो डिज़ाइन है अंदर से वो हर एक पार्ट का डिज़ाइन यहाँ पर एक डायमंड की तरह है। और जो ये डायमंड शेप है दोस्तों, हर एक डायमंड शेप के अंदर यहाँ पर होल है जिससे कि पानी बाहर आएगा और इंजेक्ट होगा कपड़ों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यही इस ड्रम की खासियत है। इस पूरे ड्रम में हर तरफ से, चारों तरफ से कपड़ों के ऊपर पानी आता है। अब इस मशीन के साथ आने वाली एसेसरीज़ की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों इस वीडियो को, अगर आप इस मशीन के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो। दोस्तों इस मशीन में ये हमें कुछ मैनुअल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है एक ड्रेन पाइप जो कि कंड्यूट टाइप का है। ये देखिए दोस्तों, क्वालिटी इसकी ठीक है, अच्छा है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक इनलेट पाइप। मैं इसकी पॉलीथीन को ओपन करता हूँ और इसके अंदर एक रिंग टाइप भी है, देखते हैं वो क्या है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलता है ये कंड्यूट पाइप और साथ में ये ड्रेन पाइप को इसके नीचे जो नोजल दिया हुआ है ड्रेन का, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये एक रिंग दी हुई है। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों ये है इस मशीन के साथ आने वाला इनलेट पाइप। इस इनलेट पाइप का ये वाला जो मुंह आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, यह है इस मशीन के साथ कनेक्ट होने वाला मुंह। इस मशीन के अंदर जो पीछे वॉल्व दिया हुआ था इनलेट, उसके ऊपर हम इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे दोस्तों। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो दूसरा मुंह यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो कनेक्शन है ये हमें नल के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन ये जो हमें कनेक्टर दिया हुआ है ये किसी भी काम का नहीं है, एकदम बकवास है, ये आपके नल के साथ कनेक्ट होने वाला नहीं है। इसमें नीचे यहाँ पर इसको आप केप को नीचे खींच करके इसको अलग कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि ये अलग हो जाता है। तो दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या आपको सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज़ आप मशीन चला ही नहीं पाओगे। मैं इसी के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो मुझे दिक्कत आई थी वो आप लोगों को ना आए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। वो दिक्कत यही है दोस्तों, आप पानी सप्लाई नहीं कर पाएंगे इस कनेक्टर के साथ इस मशीन के अंदर। तो आपको मशीन लेने से पहले वो काम कर लेना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस कनेक्टर को बाईपास करने के लिए। अभी हम एक एक करके ये सारी असेंबल करते हैं मशीन के अंदर। सबसे पहले ड्रेन पाइप को लगा लेते हैं। तो ड्रेन पाइप को लगाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, उस क्लिप को इस पाइप के ऊपर चढ़ा देना है, ड्रेन पाइप के ऊपर, और यहाँ पर इस ड्रेन नोज़ल के ऊपर इस पाइप को पुश करके ऊपर चढ़ा देना है, और उसके बाद इस रिंग को ऐसे दोनों तरफ से दबाकर इसको ऊपर चढ़ा देना है उस नोज़ल के ऊपर, ताकि ये पाइप बाहर ना निकले। यहाँ पर हमने असेंबल कर लिया है इस ड्रेन पाइप को मशीन के साथ। अब इस ड्रेन पाइप के ऊपर हमें एक छोटा सा क्लैंप मिलता है, जिसकी मदद से मशीन में दिए हुए हैंगर के साथ हमें इसे हैंग कर देना है। अब हम इसके इनलेट पाइप को जोड़ते हैं मशीन के साथ। ये जो मशीन साइड वाला कनेक्टर दिया हुआ है, हमें सिंपली इसको इसके ऊपर टाइट कर देना है। इसे टाइट करने के बाद दोस्तों, मशीन को आपको उस जगह पर रख लेना है जहां आपको कपड़े धोने हैं, और साथ ही वहां पर एक पानी के नल की सुविधा होनी चाहिए। अब बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से इस दूसरे मुंह को कनेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर मेरे पास ये नल था जिसे मैंने चेंज किया है, क्योंकि ये जो मुँह इसका दिया हुआ है, इस मुँह के साथ आप इस कनेक्टर को किसी भी तरह से नहीं लगा सकते हैं। ये ध्यान से देख लेना दोस्तों, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो तो ये इंतजाम पहले कर लेना, अदरवाइज़ आपका मशीन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, और जो आपको इंस्टॉलेशन के लिए आएगा वो आपको घुमाता रहेगा, क्योंकि वो भी ये चीज़ नहीं लेकर आता है। तो इसका उपाय क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है इस तरह का टेप, जिसके अंदर एक तरफ हमें इसका मुंह देखने को मिल जाता है जो कि मशीन के साथ कनेक्ट हो सकता है बहुत ही इजीली।
ये देखिए दोस्तों सेम इसके कनेक्टर जैसा यहाँ पर इसका मुंह है जो हमारे मशीन के पाइप के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर आप मशीन ले रहे हो तो सबसे मशीन लेने से पहले इस तरह का टेप आपको ख़रीद लेना है और वो लगा लेना है अपनी पाइपलाइन के साथ में, ताकि आप वाटर सप्लाई मशीन को इजीली कर पाओ। ये बहुत ख़ास बात है दोस्तों, मुझे बड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था और इंस्टॉलेशन वाले ने भी मुझे नहीं बताया। अब दोस्तों मशीन को अपनी जगह पर रखने के बाद सिंपली इस इनलेट वाले पाइप को आपको यहाँ पर इस कनेक्टर को नीचे पुश करके इस टेप के ऊपर चढ़ा देना है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारी मशीन वाटर सप्लाई के लिए रेडी है और हमारे कपड़े धोने के लिए हमारी मशीन रेडी है। हम अभी इसमें पानी सप्लाई कर सकते हैं और ये जो टेप और ये कनेक्टर है इसको आपको साइड में रख देना है। मशीन के ड्रेन पाइप को निकाल करके आपको नीचे फ्लोर पर डाल देना है ताकि मशीन का पानी आसानी से ड्रेन होता रहे। इसके बाद में मशीन के पीछे जो पावर कोड दी हुई है उस पावर कोड को निकाल करके हमें प्लग इन कर देना है सॉकेट के अंदर। अब दोस्तों मशीन चालू करने के लिए सबसे पहले हम इसके पावर के स्विच को ऑन करेंगे। पावर बटन को स्विच ऑन करने के बाद में मशीन के ऑपरेटिंग पैनल पर जो यहाँ पर पावर का बटन दिया हुआ है सिंपली इसको एक बार दबा करके हमें ऑन कर देना है। अब दोस्तों इस मशीन के लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर ये फंक्शन दिए हुए हैं ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं अपनी कपड़ों की धुलाई के लिए, और इन सभी फंक्शंस पर स्विच करने के लिए एक साइकिल का बटन दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को दबाते ही आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर स्विच करेंगे। ये देखिए दोस्त, जैसे मैंने एक बार दबाया तो ये सुपर क्लीन पर आ गया, फिर दूसरी बार दबाया तो क्विक वॉश पर, इसी तरह दबाते रहने पर हर एक फंक्शन पर यहाँ पर ये मशीन स्विच कर रही है। इस साइकिल के बटन से अपना फंक्शन चूज करने के बाद में कि आपको किस मोड पे कपड़े धोने हैं, यहाँ पर ये स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, इस स्टार्ट के बटन को एक बार पुश कर देना है जिससे कि आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी उस फंक्शन उस मोड के ऊपर। अब मशीन के राइट पैनल की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डिले एंड यानी कि टाइम डिले का ऑप्शन मिल जाता है, इसके पास में ड्रेन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद में हमें वाटर लेवल सेलेक्टर मिल जाता है, वॉश टाइम देखने को मिल जाता है, रिंस टाइम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पिन टाइम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में सोक का ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है, और साथ ही इस मशीन का खास फीचर मानसून भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो तीन LED लाइट है दोस्तों, जो फंक्शन इस मशीन में चल रहा होगा उसी फंक्शन की ये तीनों लाइटें हैं। सबसे पहली लाइट वॉशिंग की, दूसरी रिंस की और तीसरी स्पिन की। तो दोस्तों जो लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रही होगी वो वाला इस मशीन का फंक्शन चल रहा होगा। ये टाइमर है दोस्तों, यहाँ पर इस पर टाइम दिखाएगा कितनी टाइम के लिए आपकी मशीन चालू है। इस मशीन के सबसे पहले फंक्शन नॉर्मल की बात करें तो दोस्तों आपको जो डेली यूजेस के जो आपके कपड़े हैं अगर वो धोने हैं तो नॉर्मल पे रख के आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये मशीन ऑटोमेटिक टाइम सेलेक्ट करेगी कितने टाइम के लिए इस मशीन को चलना है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं या फिर वाइट कपड़े हैं जिनके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है तो अगर वो वॉश करने तो सुपर क्लीन पर आपको रखना है। उसके बाद में आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में मशीन को किस तरह से कितने टाइम के लिए चलना है ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइम वो सेलेक्ट करेगी, और कितने कपड़े आपने डाले हुए हैं उसके हिसाब से सेंसर के थ्रू इसका वाटर लेवल ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको क्विक वॉश करना है, आपके पास कम टाइम है और कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं, एक फटाफट से आपको धोने हैं, तो आप क्विक वॉश पर जा सकते हैं। और क्विक वॉश पर जाने के बाद में आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर ऑटोमेटिक देख पा रहे होंगे सबसे कम टाइम यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है क्विक वॉश में, तो ये मशीन ऑटोमेटिक मोड के हिसाब से अपना टाइम सेलेक्ट कर लेती है। अगर आपके डेलिकेटेड कपड़े हैं यानी कि सॉफ्ट कपड़े हैं, कुछ ऐसे नाजुक टाइप के जो आपके कपड़े हैं अगर आपको वो धोने हैं तो आप डेलिकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों अगर आपको एक्वा प्रिजर्व यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको कपड़ों को कुछ टाइम के लिए पहले गलाना है उसके बाद धोना है तो आपको यहाँ पर एक्वा प्रिजर्व का मोड दिया हुआ है। अगर आपको जींस धोनी है दोस्तों, ओनली जींस का ही कपड़ा है आपका, आपकी जींस की शर्ट पैंट जो भी हैं वो धोने हैं, तो आपको जींस के मोड पर आ कर के स्टार्ट बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद में एनर्जी सेविंग मोड है दोस्तों, इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होगा लेकिन मशीन बहुत धीरे चलेगी और आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा धुलने में। तो ये ऑप्शन तो मैं तो कभी यूज़ नहीं करूँगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद में रिंस एंड स्पिन, यानी कि अगर दोस्तों आपको कपड़े बाहर धो लिए आपने, अब खाली झकोलना है और सुखाना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन का यूज़ करना है दोस्तों। बाहर आपने साबुन लगा करके कपड़ों को धो लिया है या उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसके बाद में आपको खाली उनको पानी डाल के झकोलना है और सुखाना है, तो आपको यहाँ रिंस और स्पिन पर लग के क्लिक कर देना है। इसके बाद इको टब क्लीन का ऑप्शन आता है दोस्तों, जब आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी में थोड़ा फ्लोराइड है तो आपके मशीन में जो है पानी का दाग रहना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो ड्रम आपको दिखाई दे रहा है इस ड्रम के ऊपर आपको चारों तरफ पानी के दाग या मशीन के अंदर जो दाग धब्बे हैं इस ड्रम के ऊपर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन दाग धब्बों को क्लीन करने के लिए इस मशीन में ऑप्शन दिया हुआ है इको टब क्लीन का। तो उसके लिए दोस्तों मार्केट में एक केमिकल अवेलेबल है वॉशिंग मशीन क्लीनर के नाम से, वो मिलता है, वो आपको ख़रीदना पड़ेगा और उसके बाद में एक महीना दो महीने में एक बार आपको इस इको टब क्लीन के ऑप्शन पर जाकर वो केमिकल इसमें डाल देना है और इस मशीन को इको टब क्लीन पर रख के स्टार्ट कर देना है, तो ये मशीन ऑटोमेटिकली ही जितने भी दाग धब्बे हैं उन सबको क्लीन कर देगी, अपने आप इस ड्रम को साफ कर देगी, और ये करते रहना ज़रूरी भी है ताकि हमारी मशीन जो है अंदर से गंदी नहीं रहेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिले एंड वाले ऑप्शन की। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है या फिर आपके घर पर पानी एक फिक्स टाइम पर आता है कि हाँ दो घंटे बाद आएगा या चार घंटे बाद आएगा, सपोज़ सुबह आप 8 बज रहे हैं सुबह के और आपका पानी 10 बजे आता है, तो आप इसमें एक टाइमर फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इसमें 24 आवर तक का टाइम सेट आप कर सकते हैं, और जितने घंटे बाद आपको मशीन को चालू करना है उतना यहाँ पर टाइम फिक्स करके आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और मशीन के अंदर पानी की सप्लाई को आपको ऑन रखना है और मशीन का पावर आपको ऑन रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों उतने ही घंटे जितने आपने यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं उतने ही घंटे बाद आपकी मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, यानी कि आपको टेंशन फ्री होकर के अपने कपड़े मशीन में डाल देने हैं, जिस वक्त पानी आता है या जिस वक्त आप अवेलेबल हों उस वक्त आपको टाइम सेट करके मशीन को ऑन कर देना है और यह मशीन ऑटोमेटिक उस टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप मान लो कपड़ों को सोक करके रखे हुए हो मशीन के अंदर और पानी भरा हुआ है, मशीन का पानी अगर आपको ड्रेन करना है तो यहाँ पर ड्रेन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप इसको दबाएंगे तो मशीन के अंदर जितना भी पानी है वो सारा पानी जो है यहाँ पर ड्रेन हो जाएगा, इसके ड्रेन करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में अगर दोस्तों आपको मशीन को मैनुअल चलाना है तो यहाँ पर आपके जो ये रिंस का वॉश टाइम का वाटर लेवल सेलेक्टर का ये बटन है वो भी आपको यहाँ पर सिंपली मैनुअली अपना टाइम सेट करके एक एक बटन पर आप मशीन को चला सकते हैं। आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी ऑप्शन की यहाँ पर लाइट ब्लिंक करेगी, अगर आप वॉश कर रहे हैं तो पहली वाली लाइट ब्लिंक करेगी, अगर कपड़े रिंस हो रहे होंगे तो यहाँ पर बीच वाली लाइट, और अगर स्पिन हो रहे होंगे तो लास्ट वाली लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगी। इस मशीन में दोस्तों एक ख़ास बात यह भी है कि अगर आप कपड़े बाहर धो लिए बाहर झकोल लिए तो ओनली स्पिन कर सकते हैं कपड़ों को, यानी कि ओनली ड्राई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों किस तरह से इसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर सपोज आपको कपड़े धोने नहीं है, आपने बाहर साबुन लगा लिया है कपड़ों को, अब केवल झकोलना है, तो ये जो बटन है इस बटन को वॉश टाइम वाले बटन को आपको दबाना है 2 बार 3 बार, तो लास्ट वाले टाइम के बाद एक बार और दबाएंगे तो ये लाइट आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा, यानी कि अब मशीन के अंदर जो कपड़े हैं वो ओनली रिंस होंगे और स्पिन होंगे। इस तरह से आपको वॉशिंग वाला ऑप्शन बंद करके या सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, इससे दोस्तों आपके कपड़े अब केवल रिंस होंगे यानी कि झकलेंगे और ओनली स्पिन होंगे यानी कि कपड़े नचोए जाएंगे, यानी कि आपके कपड़ों को झकोलने का और नचोने का काम होगा, बाहर आपने कपड़ों को धोकर ही इसमें डाला था। अब सपोज दोस्तों आपने बाहर साबुन भी लगा लिया बाहर झकोल भी लिया कपड़ों को पानी के अंदर, अब केवल आपको उनका पानी सुखाना है, तो क्या करना है दोस्तों ये रिंस टाइम वाले बटन को 2 3 4 5 बार ऐसे दबाना है और लास्ट वाले ऑप्शन के बाद जब और एक बार दबाएंगे तो इसकी भी लाइट यहाँ पर बंद हो जाएगी और केवल स्पिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब आपके कपड़े धुलेंगे भी नहीं रिंस भी नहीं होंगे केवल स्पिन होंगे,
तो यहाँ पर स्पिन टाइम आप जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करिए और उसके बाद में सिंपली स्टार्ट बटन पर दबा दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अब आपने कपड़ों को बाहर धो लिया है और कपड़े बाहर आपने झकोल भी लिए हैं पानी के अंदर, अब केवल उनका पानी आपको निकालना है, उनका पानी आपको निकाल करके कपड़ों को ड्राई करना है। तो स्पिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों इस मशीन के ख़ास फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप कपड़ों को ओनली धोने का ही नहीं केवल झकोलने का या केवल ड्राई करने का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब सपोज आप अगर मैनुअल आपने मशीन को चला लिया है तो आप ये सोचेंगे कि यार इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मैनुअल अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो मैनुअल चला लीजिए, उसके बाद जैसे ही आप साइकिल के बटन पर क्लिक करेंगे और तो जिस मोड के ऊपर आपकी लाइट आएगी उस मोड की टाइमिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको ऐसा डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने मैनुअली चला लिया है तो मशीन का टाइमिंग बिगड़ जाएगा, जैसे ही आप साइकिल पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उसके हिसाब से टाइम सेट कर लेगा। ये जो सोक का ऑप्शन है दोस्तों, इसकी मदद से आप कपड़ों को मशीन के अंदर गला कर भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको कपड़ों को गलाना है मशीन में तो उसका काम भी यहाँ पर हो जाएगा। सोक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, उसके बाद में मशीन ऑटोमेटिक पानी सेलेक्ट करेगी, पानी लेगी और आपके कपड़ों को गलाने का भी काम करेगी। इसके बाद दोस्तों ये मानसून वाला ऑप्शन भी यहाँ पर इस मशीन में हमें देखने को मिलता है, जो कि इस मशीन का एक खास फीचर है। इसकी मदद से दोस्तों कपड़ों को बारिश के मौसम में जो कपड़े हमें धुलने के बाद में सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हमारे कपड़े इजीली सूख नहीं पाते, तो उसके लिए यहाँ पे हम मानसून वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पानी मशीन के अंदर ही निकल जाएगा और आपके कपड़े बहुत ही आसानी से सूख पाएंगे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, तो मैं आपको अब बताता हूँ इस मशीन के साथ आने वाली डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों जब हम मान लीजिए हमारी मशीन हमने चालू कर रखी है और मशीन में कपड़े धुलाई का काम चल रहा है, कपड़े धो रही है हमारी मशीन, और अचानक से पावर कट हो जाता है यानी कि बिजली चली जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये मशीन बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आती है डिजिटल स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मैंने आपके सामने मशीन चालू है और मैं इसके मेन स्विच को ऑफ़ कर देता हूँ, इसके बाद भी ये मशीन हाथों हाथ बंद नहीं होती है। पहले ये पावर कट को सेंस करती है, उसके बाद में अपनी मोटर को पावर सप्लाई देना बंद करती है, जिससे कि जो ड्रम अंदर घूम रहा होता है वो सडनली बंद नहीं होता है और मोटर पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर पावर स्विच को दोबारा ऑन करने के बाद मशीन चालू नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी कपड़े नहीं धो रहा था। लेकिन अगर आपकी मशीन कपड़े धो रही होगी या उस वक्त जिस वक्त लाइट गई है ये अगर रनिंग में होगी, तो जब भी दोबारा लाइट आएगी तो जिस जगह पर इस मशीन ने अपना फंक्शन बंद किया था काम करना, वो वहीं से इसको स्टार्ट भी कर देगी। ये इस मशीन का एक स्पेशलिटी है दोस्तों, मतलब कि आपको अब दोबारा मशीन को आकर के चालू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इस मशीन में आने वाली वोबल टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो ये वोबल टेक्नोलॉजी इस मशीन में दी गई है, इसमें जनरली होता क्या है, इस मशीन का जो अंदर टब है, इस टब में आपको जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इसके टब में दो रोलर हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये दोनों रोलर दोस्तों एक साथ एक डायरेक्शन में घूमने की बजाय दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं, और हर एक फ्रिक्वेंसी के बाद में ये डायरेक्शन इनकी चेंज होती रहती है। यही है दोस्तों वोबल टेक्नोलॉजी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा क्लोज से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब ये जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये जो रोलर है, ये रोलर जब एक डायरेक्शन में घूम रहा होगा तो उसी वक्त दूसरा वाला रोलर उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर घूमेगा, और थोड़े ही टाइम बाद में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में ये रोलर घूम रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएंगे, और इसका टब भी उल्टा घूमने लग जाएगा। यानी कि जो आपके कपड़े आप धो रहे थे वो इस मशीन के अंदर चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे होकर घूमने वाले हैं और आपको अच्छी धुलाई मिलने वाली है यहाँ पर। तो वोबल टेक्नोलॉजी के अंदर यही है दोस्तों कि ये मशीन आपके कपड़ों को जो आप इसके अंदर धो रहे हैं उन कपड़ों को हर तरफ हर डायरेक्शन में घुमाने वाली है, जिससे कि आपको बेटर वॉश यहाँ पर मिलने वाली है इस मशीन के अंदर। तो यही दोस्तों इस वोबल टेक्नोलॉजी का काम है। दोस्तों मैं अब बात कर लेता हूँ मैजिक फ़िल्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था,
ये दोस्तों इस मशीन के साथ आने वाला मैजिक फिल्टर है, जिसके दोनों साइडों में यहाँ पर ये हमें नॉब दी हुई है, जिसे हमें पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। और जो भी आपने कपड़े धोए होंगे, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, जो भी कपड़े आपने यहाँ पर धोए होंगे उन सब के जो रेशे हैं वो इसकी इस नेट में होकर के, इस जाली में होकर के, इस मैजिक फिल्टर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जब हम हमारे कपड़ों को बाहर धोते हैं तो इस तरह के रेशे तब भी निकलते हैं, लेकिन वो पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये मशीन के अंदर भी निकलेंगे जब आपके कपड़े धोए जाएंगे, तो मशीन के अंदर इधर उधर इकट्ठे ना होने की बजाय इस मैजिक फिल्टर के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और आपकी जो मशीन है वो मशीन पर इन रेशों की वजह से कोई भी खराबी या कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी। इस वजह से ये मैजिक फिल्टर यहाँ पर मशीन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यही इस मैजिक फिल्टर का काम है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए, ताकि इस मशीन के बारे में और भी लोगों को रिव्यू मिल सके और उनको हेल्प हो सके, अगर वो भी एक नई वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।